नमस्कार दोस्तों, आपकी भरोसेमंद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल जीडी की, जिसमें सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF, SSB और राइफल में जीडी और आसाम राइफल के अंदर वैकेंसी है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप 24 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 रहेगी, जो कि शाम को 11 बजे क्लोज कर दी जाएगी। इसकी लास्ट पेमेंट भी 1 जनवरी 2024 को रहेगी, वो भी 11 बजे बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, डेट ऑफ विंडोज जो एप्लीकेशन भरोगे आप, करेक्शन विंडो जो खुलेगी वो 4/1/2024 से 6/2/1/2024 तक भरेगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप अपना फॉर्म जो भरें वो निश्चित समय के भरें और टाइम से भरने की कोशिश करें। हो सके तो आप कल से अपना फॉर्म भरना शुरू कर दें, ताकि आगे भविष्य में किसी भी प्रकार की सामना न करना पड़े। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये SSC के माध्यम से होगा। यहाँ पर गुजराती, कनाडा, जो भी लैंग्वेज हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही पेट यानी फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट भी आपका लिया जाएगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होगा, जो कि डिटेल मेडिकल आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इसके अंतर्गत जो वैकेंसी है, इसका डिटेल आप देख सकते हो, जिसमें 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक की भी पेमेंट दी जाएगी। अब बात करते हैं वैकेंसी की, किस पद के लिए कितनी वैकेंसी हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत BSF के अंतर्गत 5,211 वैकेंसी मेल के लिए हैं और 963 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। टोटल बात करते हैं तो 6,174 वैकेंसी हैं। CISF की बात करते हैं, CISF के अंतर्गत टोटल 9,913 वैकेंसी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हैं। और CISF एक अच्छी जॉब है, साथ ही इसके अंतर्गत 1112 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। टोटल वैकेंसी 11,025 वैकेंसी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, CRPF के अंदर भी जो वैकेंसी दी गई हैं, वो CRPF के अंदर की जो वैकेंसी हैं वो भी लगभग 3,206 वैकेंसी हैं, जिसमें से 71 वैकेंसी फीमेल के लिए, टोटल 3,337 वैकेंसी हैं। इसके अलावा SSB के अंतर्गत 593 वैकेंसी हैं मेल के लिए और 42 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। ITBP में 2,694 वैकेंसी मेल के लिए हैं और 495 फीमेल के लिए हैं। टोटल वैकेंसी 3,189 हैं। आसाम राइफल के लिए 1,448 वैकेंसी हैं और फीमेल के लिए 42 वैकेंसी हैं। साथ ही SSF के लिए 222 वैकेंसी हैं और इधर 74 वैकेंसी हैं। दोस्तों, आप अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं और अपनी पसंद की जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हर वैकेंसी के अंदर 10% जो वैकेंसी है हमारे भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व की गई है, यानी कि जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो 10% वैकेंसी में आरक्षित हैं। इसके लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। एज लिमिट 18 साल से 23 साल रखी गई है। साथ ही 1/1/2024 को आपकी उम्र सीमा इससे आगे नहीं होनी चाहिए और यह से कम भी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं SC ST के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, OBC के लिए 3 साल की और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 3 साल की छूट दी जाती है, जितनी उन्होंने सेना में जॉब की है वो घटाने के बाद। साथ ही दोस्तों, जो चिल्ड्रन और उनके डिपेंडेंट जो 1984 के बाद में थे, उन्हें भी 5 साल की छूट दी जाती है। साथ ही चिल्ड्रन जो डिपेंडेंट ने विक्टिम किल्ड हैं, उन्हें भी 8 साल छूट दी जाती है। दोस्तों, साथ ही जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो ऑलरेडी कहीं सिविल साइड में एम्प्लॉयड हैं, तो उन्हें इसके अंदर जो बेनिफिट होता है वो एक्सटेंशन का, रिप्लेमेंट का जो नहीं दिया जाएगा, किसमें आपकी जो कैटेगरी है उसमें फीस कंसर्न के लिए केवल,
बाकी आप अपना लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक्सेप्शन कौन है। जो सेना में जॉब किए हैं वो सभी एक्सेप्शन माने जाते हैं। कम से कम उन्होंने इस सेना के अंतर्गत जो जॉब है वो रिटायरमेंट होकर आए हों या मेडिकल बोर्ड डिस्चार्ज किए गए हों, वो सभी इसमें माने जाते हैं। दोस्तों साथ ही कुछ छूट जाती है जैसे सन ऑफ इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन जो है उनमें छूट जाती है। जो एक्सप्रेसमैन हैं उनके पुत्र हैं उनको छूट जाती है, डॉटर हैं तो उनको भी दी जाती है, फैमिली मेम्बर हैं जैसे कि भाई है चिल्ड्रन हैं उन सबको इसमें छूट दी जा सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके अंतर्गत एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। ये 10th पास वैकेंसी है, आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो। दोस्तों जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है उन्हें 5%, जब NCB है उन्हें 3% और NCTA वालों को 2% की लाभ दी जाती है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको ssc.nic.in पर जा सकते हैं और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एप्ल की फ़ीस मात्र 100 रुपये रखी गई है और वो 100 रुपये जो दी गई है वो केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST कैंडिडेट हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। साथ ही हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी पूरी फीस एग्जम्प्ट की गई है। दोस्तों जो पेमेंट करने वाले हैं वो आप भीम UPI किसी से भी कर सकते हैं। साथ ही विंडो जो एप्लीकेशन वाली है वो करेक्शन में खुलेगी, उस दौरान आप छोटा मोटा कोई डिफेक्ट है जो बाई मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको कर सकते हैं। बशर्ते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना पूरी तरह से सोच समझ के निर्णय लें। दोस्तों अब बात करते हैं इसके अंतर्गत एग्जाम सेंटर की। जो इसके एग्जाम सेंटर हैं वो भारत में अनेक स्थानों पर हैं। ये सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, इस प्रकार से रीजन बनाए गए हैं, उनके आधार पर आपको दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हैं ये दिल्ली, बीकानेर, अजमेर, जहाँ जहाँ पर उसका लोकेशन है वहाँ पर सभी आपके एग्जाम सेंटर दे रखे हैं। और इसके अंदर जो एग्जाम होने वाला है, शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो भी हो सकता है, जैसे कि इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम 40 मार्क होंगे। दोस्तों इसके अलावा GK का 20 क्वेश्चन 40 मार्क, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन 40 मार्क, हिंदी में और 20 क्वेश्चन 40 मार्क, इस प्रकार का आपका टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वो आप कर सकते हैं। दोस्तों साथ में फिजिकल जो टेस्ट होगा उसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट के अंतर्गत और 1.6 मीटर की रेस होगी 7 मिनट के अंदर। दोस्तों आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप किसी अन्य स्थान से हैं तो आपकी हाइट में भी छूट दी जाएगी। दोस्तों आपको जो आपका चेस्ट है कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें गैप यानी 85 सेंटीमीटर तक आप चेस्ट फूलना चाहिए। तो दोस्तों मेडिकल एग्जाम जो होगा वो प्रॉपर होगा और उसमें आपको डॉक्यूमेंट चेक कराने पड़ेंगे। दोस्तों तो लगभग ये थी इस वैकेंसी से जानकारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब लगाए गए हैं वो सब कुछ किया गया है और अपनी तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम कर चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये जो वैकेंसी है पद हैं ये हम अप्लाई करते हैं लेकिन इसके ऊपर मेरिट बन के ही डिसीजन लिया होता है। तो दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें, साथ ही दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर हर वैकेंसी आपको विस्तारपूर्वक बताई जाती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।